please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केरल के लोगों को फिर से बसाने की कोशिश अब भी जारी. मौसम विभाग ने 24 तारीख तक केरल में भारी बारिश की आशंका से इनकार किया. इसलिए तमाम राहत एजेंसियों की कोशिश ये है कि इन 5 दिनों में अलग अलग जगहों पर फंसे तमाम लोगों को निकाल लिया जाए. अलापुषा में कुछ बीमार बुजुर्ग कई दिनों से फंसे हुए थे. आईटीबीपी के जवानों की टीम फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंची, लेकिन बीमार लोगों को बचाने के लिए नाव की जरूरत थी. नाव नहीं थी तो जवानों ने पेड़ों के तनों की मदद से एक खांचा तैयार कर लिया. बीमार लोगों को उसी पर बैठाकर जवान कई फीट गहरे पानी में चलने लगे. जरूरतमंदों की मदद के लिए जवान केरल के हर हिस्से में फरिश्ते बनकर पहुंच रहे हैं. 2 दिन से बरसात बंद है तो सड़कों पर जमा पानी का स्तर भी घटने लगा है. कई हिस्सों में तो लोग अपने अपने घरों में लौटने की कोशिश भी करने लगे. जिन घरों में कई कई फीट तक पानी भर गया था, पानी कम होने के बाद वो रेत और कीचड़ से भरे मिल रहे हैं. कीचड़ भी इतना कि बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से कीचड़ हटाने का काम किया जा रहा है. सड़कों पर इस तरह की कई मशीनें दौड़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सड़कों और ज्यादातर घरों में कीचड़ ही नहीं भरा, भारी भरकम सामान भी फैला है, जिसे हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है. कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा. एयरपोर्ट पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और एयरपोर्ट की चहारदीवारी जगह जगह से टूट गई है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या हालत है, जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है उसकी क्या हालत है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस दीवार को देख करके. ये दीवार है जो पूरी तरह से ढह गई है. कोची का एयरपोर्ट पिछले एक हफ्ते से बंद है. कई हिस्से ऐसे हैं जहां राहत और बचाव एजेंसियों की नजर तब पहुंची जब पानी का स्तर कम हुआ. हालात ये हैं कि कई सड़कें अब मौजूद ही नहीं. और ऐसे ही हालात न्यूज 18 के ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए सामने आए. कोडगु के इसी हिस्से में बारिश ने 12 लोगों की जान ली है. दावा किया जा रहा है कि बचाव दल 400 से ज्यादा लोगों को इस हिस्से से सुरक्षित बाहर निकाल चुका है. लाल रंग की दिखाई दे रही मिट्टी पहाड़ों का टूटा हुआ मलबा है. इस मैदान में कई घर हुआ करते थे जिनके अब निशान ही बाकी है. कुछ लकड़ी के दरवाजे, कुछ दीवारों के टुकड़े, कुछ खिड़कियां और घर का बाकी सामान जगह जगह बिखरा है. लेकिन अब यहाँ जिंदगी बाकी नहीं बची. सड़कें सैलाब के साथ बह चुकी हैं. कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े अब भी बचे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ से रास्ता निकला करता था. ड्रोन से ली गई कुछ और तस्वीरों में अब वो घर भी दिखने लगे हैं जो चंद रोज पहले तक पानी में डूबे थे. लेकिन इन घरों के आसपास दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं दिखता. सड़कें तो कहीं बाकी बची ही नहीं. पानी के वार से धराशायी हुए बड़े बड़े पेड़ हर जगह फैले हैं. हालात देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि केरल के इन हिस्सों को पहले जैसी शक्ल देने में लंबा वक्त लगने वाला है. लेकिन लोग राहत शिविरों में ही रहकर जिंदगी के पटरी पर लौटने का इंतजार भी नहीं कर सकते, इसलिए दिन के वक्त ज्यादातर राहत शिविरों में कम ही लोग दिखाई देते हैं. क्योंकि दिन के वक्त लोग राहत शिविरों से निकलकर अपने अपने घरों की साफ सफाई और उनकी मरम्मत के काम में जुट जाते हैं. घरों में अब तक बिजली की सप्लाई दुरुस्त नहीं हो पाई. घरों में सामान किसी कबाड़ खाने जैसा दिखने लगा. घरों में पानी इस कदर भर गया था कि घरों में रखा काफी सामान तो बर्बाद भी हो गया. ये वो स्थिति है कोची में, तमाम कॉलोनीज में जहाँ पानी भर गया था वहाँ पर आप देखिए कि पूरा सामान किस तरीके से लोगों का बर्बाद हो गया है. पानी का स्तर घट गया है तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई. लेकिन खाना खाने का वक्त हो या रात को सोने का वक्त, लोग वापस राहत शिविरों में लौट जाते हैं. राज्य सरकार का अनुमान है कि बाढ़ से केरल को 19,512 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 223 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो चुकी है. 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. राज्य में 3,000 से ज्यादा राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. हैरान करने वाला आंकड़ा ये है कि राज्य की 83,000 किलोमीटर सड़कें पानी में बह गई. केवल इन सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य को 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी. राज्य के इन्हीं हालात की वजह से पूरे देश ने केरल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. तमाम राज्यों ने केरल को आर्थिक मदद का ऐलान किया है. अब तक कुल 22 राज्यों ने केरल की मदद के लिए 205 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है. सबसे बड़ी आर्थिक मदद के तौर पर 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान तेलंगाना ने किया. महाराष्ट्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 15-15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की. 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया. प्रधानमंत्री ने पहले ही केरल को 500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है तो गृह मंत्रालय की तरफ से भी 100 करोड़ रुपए केरल को देने की घोषणा हो चुकी है. इसके अलावा देश भर के सामाजिक संगठन, कारोबारी और उद्योगपति भी केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़कर सहयोग दे रहे हैं. सेना के तीनों अंग और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केरल में मोर्चा संभाले हुए हैं. हम ये नहीं चाहेंगे कि केरला के भाई, केरला की बहन अकेला उसका सामना करे. हम सब उनके साथ में रहेंगे और उनकी सहायता पूरी मात्रा में हम करेंगे. 12 टीम्स मेडिकल की तैयार हैं. 10 स्पेशलिस्ट टीम्स बनाई गई हैं
जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और वो भी वहां पर पहुंचेंगे और उस तरीके से काम करेंगे। तो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सीपीएम नेता सीताराम येचुरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के एक बाजार में निकल पड़े। उन्होंने कुछ बैनर और पोस्टर लेकर लोगों से केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा देने की अपील की। सीताराम येचुरी के साथ सीपीएम नेता बृंदा करात भी थी। आगे को जरूरत पड़ेगी बहुत सारे साधनों की, ताकि उनकी जिंदगी का पुनर्निर्माण हो, उसके लिए हम ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी अपनी एक एक महीने की तनख्वाह। लगातार बारिश ने देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे की बारिश ने ही शहर की तस्वीर बदल कर रख दी और शहर की कई अहम सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। शहर में भरे पानी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। कहीं कोई बाइक सवार पानी में धड़ाम गिर पड़ा तो जगह जगह लोग बंद दुपहिया वाहनों को खींचते दिखे। शहर के रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भरने की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी बेहाल दिखने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के घरों तक में पानी भर गया। लोग अपने घरों के गलियारों में भी पानी में चलने को मजबूर रहे। कुछ जगहों पर तो हालत ये थी कि घर के ड्राइंग रूम में चलने में भी घुटनों तक का पानी भरा था। ये राजधानी भोपाल के पुराने इलाके के जो घर है वहाँ का हाल है। घुटने घुटने तक जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी में मौजूद है। घर के बेडरूम में भी पानी इतना था कि पानी से बचने के लिए केवल बेड ही महफूज बचा था। घर में बिजली का सामान भी है, इसलिए पानी की वजह से बिजली के सामान में करंट भी दौड़ सकता था। घर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां फर्श दिखाई दे रहा हो। ये घर है किसी का, आप अंदाजा लगाइए, मानो कोई तालाब लग रहा है। ये किचन है, ये हम आपको किचन भी दिखाना चाहते हैं। ये किचन का नजारा है और इस किचन में भी जो पानी है वो भर गया है। भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां इसी तरह से ज्यादातर घर तालाब में तब्दील हो गए। भोपाल में बारिश का पानी लोगों के घरों में जो घुसा तो घुसा ही, कुछ कमजोर मकान तेज बारिश के बाद गिर भी गए। सोमवार को हुई इस बारिश ने कई लोगों की जान ले ली, जिनमें एक घटना तो मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दफ्तर की है। ये सरकार का वो विभाग होता है जिसकी जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य को बचाने की होती है, लेकिन इसी विभाग के दफ्तर की दीवार ने बारिश के सामने घुटने टेक दिए। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। दुनिया में इनको आपदा का प्रबंध करना है, लेकिन अपने दफ्तर में आपदा का प्रबंध नहीं कर पाया, एहतियात नहीं कर पाया। अगर एहतियात बरता गया होता, अगर दीवार की जर्जर हालत देख ली गई होती, तो शायद 3 लोगों की जान नहीं जाती। ये भोपाल के सबसे पॉश इलाकों में एक सिविल लाइन है। इसी बंगले में कभी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रहा करती थी। 24 घंटों से हुई लगातार बरसात को बंगले की दीवारें झेल नहीं पाई। भोपाल में एक सरकारी घर की दीवार गिरने से ये देखिए 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें मां की और 2 बच्चियों की मौत हुई और दीवार देखिए किस कदर गिरी है। दीवार के साथ कुछ कच्चे घर बने थे। दीवार की ईंटें सीधा घर के ऊपर गिरी और घर मलबे में तब्दील हो गया। टिन की चादर, ईंटें और गृहस्थी के बाकी सामान के नीचे दबने से एक महिला और उसके 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। भोपाल में केवल एक दिन में 15 सेंटीमीटर बरसात हुई। एक साथ इतनी बरसात किसी भी शहर का इम्तिहान लेने के लिए काफी। कुछ ऐसा ही हाल भोपाल के ईंटखेड़ी में भी हुआ, जहां एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। दीवार के पास कुल 5 बच्चे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बाकी 4 बच्चों की जान बच गई। भोपाल के पास जो ईंटखेड़ी इलाका है, घर में मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि एक बच्ची 7 साल की मासूम बच्ची, कच्चा घर है और दीवार गिरी, दीवार गिरने की वजह से मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिवार में हादसे के बाद से ही मातम पसरा है। तो भोपाल के टीला जमालपुरा में 16 साल का एक लड़का नाले में बह गया। घर के ठीक सामने से गुजरने वाले नाले में बरसात के बाद अचानक पानी का बहाव तेज हुआ। घर के बाहर खड़े लड़के का पैर फिसला और वो नाले में बह गया। लड़के को ढूंढने की कोशिश खूब की गई, लेकिन लड़के की कोई खबर नहीं मिली। बरसात के बाद भोपाल के ज्यादातर नाले भर गए, झीलें लबालब हो गई और पूरे शहर में पानी भर गया। अलग अलग हादसों में कुल 4 लोगों की मौत की खबर है, जिनके लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये हालत तो मध्य प्रदेश की राजधानी की है, लेकिन राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां हालात बाढ़ जैसे दिखने लगे। ऐसे ही जिलों में मध्य प्रदेश का रायसेन भी शामिल है, जहां लगातार कई घंटों तक हुई बरसात के बाद जिले की तमाम सड़कें पानी से लबालब हो गईं। रायसेन का संपर्क आसपास के तमाम जिलों से कट गया। हालात रायसेन में बिगड़े और पास के हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फंसे हुए लोगों के सामने पानी घटने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, वहां नदियों का पानी उफान मारता दिखने लगा। सड़कों पर कई लोग जगह जगह फंस गए। फंसे हुए दिख रहे लोग सड़क पर ही खड़े थे, लेकिन देखते ही देखते सड़क तालाब में तब्दील हो गई। पेट्रोल पंप तक भी पानी में डूब गए। सैकड़ों एकड़ में फैली फसलें पानी में डूब गईं। जहां तक नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ये हालात तो केवल हाईवे और शहर की अहम सड़कों के हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में तो हालात और भी बदतर हो गए। नदियों का पानी सीधा तेज बहाव के साथ शहरों में दाखिल हो गया। गलियों में कई कई फीट तक भरे पानी ने जिंदगी को ठप कर दिया। लोग घरों में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करते रहे। कमर तक के पानी में चलने के लिए लोग मजबूर दिखे।
जबकि मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक कार कई फीट तक भरे पानी में फंस गई। सड़क पर पानी पहले से मौजूद था और कार में सवार लोगों ने पानी के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही गाड़ी पानी के साथ तैरने लगी। आसपास मदद के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। गाड़ी इस कदर पानी में डूब गई कि केवल उसकी छत ही दिखाई देने लगी। कुछ देर में आसपास के लोगों की नजर गाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने मिलकर गाड़ी में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की। लोगों ने रस्सी से बांध कर गाड़ी को बाहर खींचने की काफी कोशिश की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बावजूद लोग गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पाए। गाड़ी में सवार चारों लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 घंटे बेहद भारी रहे। इन शहरों में हुई तेज बारिश ने लोगों के साथ सरकार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि नदियों के उफान पर होने की वजह से कई अहम रास्ते बंद हो गए। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को 24 घंटे के दौरान रायसेन में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल में हुई बारिश करीब 154 मिलीमीटर रही। खंडवा में 95 मिलीमीटर बरसात केवल 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई। नरसिंहपुर में इन्हीं 24 घंटों में 62 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा भी कई जिलों में बारिश हुई, हालांकि इतनी ज्यादा नहीं हुई। बारिश बहुत तेज थी। मैं तो स्वयं अपने क्षेत्र में रात भर रहा, कोशिश की कि सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें। अभी तो राज्य के हालात काबू में हैं, लेकिन मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में अचानक बादल फटने से कई गांव के लोगों की जान पर आफत आ गई। कुछ इलाकों में पहाड़ों का हिस्सा भी टूटकर सड़कों पर गिर गया, जिसके बाद कई रास्ते पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से बंद हो गए, तो कई अहम रास्तों पर अचानक कई कई फीट तक पानी भर गया। आईटीबीपी के जवानों ने फौरन सुकमा के हालात काबू में करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पेड़ों के तनों और पत्थरों के सहारे पुल बनाने शुरू किए गए और कुछ ही घंटों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो यूपी में भी नदियां उफान पर हैं। बलरामपुर में राप्ती नदी का पानी अब लोगों को डराने लगा है। नदी का किनारा रोकने के लिए बनाया गया कच्चा बांध लगातार टूटता जा रहा है। अगर हालात और खराब हुए तो नदी का पानी गाँव में दाखिल हो जाएगा, इसीलिए गाँव के लोग आने वाली आफत की दस्तक महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है, कम से कम 100 गांव डूब जाएंगे। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ हिस्सों के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की है।